नमस्कार, आप देख रहे हैं डे लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के सरपंच संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टरेट पहुंचे, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं सरपंच संघ डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष लीला राम वरहात ने बताया कि जिले के सरपंच लंबे समय से मांगों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। सरकार की ओर से समय पर बजट नहीं मिलने से पंचायतों में विकास के काम ठप गए हैं। इससे जनता परेशान है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 3000 करोड़ रुपए व 1500 करोड़ रुपए जारी नहीं हुई है। इससे पंचायतों में विकास कार्य अटके हैं। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन मांगों को समय पर पूरा करने की मांग रखी है। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष ने छठे राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने, सरपंचों का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 15000 करने, वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का भत्ता बढ़ाने, मनरेगा में मेट कारीगर व सामग्री का भुगतान करने, मनरेगा में श्रमिकों के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने आदि की मांग रखी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।